नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज से मैं एक नई प्रोसेस करने वाला हूं। आज से मैं यूट्यूब की भी चैनल को सक्सेस स्टोरी के साथ डालने वाला हूं। कैसे? यूट्यूब चैनल का टारगेट होता है मोनेटाइज होना और अनएकेडमी का टारगेट होता है सिलेक्शन होना। तो अब हम करेंगे YouTube चैनल की मोनेटाइजेशन तक का सफर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी पर्सन जो मेरे कांटेक्ट में है या ये चैनल देख रहे हैं, अगर आपकी चैनल नई है या आप नई चैनल बनाने वाले हैं, तो आप कौन सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं और आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं वो मुझे लिख के भेजिए मेरे ईमेल आईडी पे। मेरा ईमेल आईडी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपकी उस चैनल को सक्सेस करवाऊंगा तब तक जब तक उनका मोनेटाइजेशन नहीं हो जाता है। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए हम आज की स्टोरी के ऊपर आगे बढ़ते हैं कि जितेश वाधवानी सर, इनकी एक यूट्यूब की चैनल है। ये पहले अनएकेडमी पे पढ़ा चुके हैं मगर अनएकेडमी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल पर ही वर्क करना चालू कर दिया और बहुत बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। मैकेनिकल एस्पिरेंट है और इनकी अचीवमेंट्स क्या क्या है और साथ साथ में इनकी चैनल कौन सा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, वो दोनों चीज हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी स्टोरीज आए, देखिए यूट्यूब का एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज सब्सक्रिप्शन। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपको जितनी भी चैनल जो आपको मदद कर सकती है, जो आपको 1% भी मदद कर सकती है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि हर यूट्यूबर एक बहुत बड़ी मेहनत कर रहा है ऐसी सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने में, तो उसके सॉल्यूशन को, उसके ड्रीम को वर्थ होने में उनकी मदद कीजिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैं जितनी भी चैनल मोनेटाइज, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैंने उतनी चैनल सब्सक्राइब करके रखी है और इसका मोनेटाइजेशन पे कोई असर नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में ये चीज है तो निकाल दीजिएगा और सभी के चैनल को सब्सक्राइब करना चालू कर दीजिएगा अगर आपको उनका कंटेंट अच्छा लगे तो। अब हम बात करते हैं जितेश वाधवानी सर के बारे में। लिखते हैं वो, डियर सर, माई नेम इज जितेश वाधवानी, माई यूट्यूब चैनल इज नीर एकेडमी, NER एकेडमी। जितेश वाधवानी सर के क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है उनका मैकेनिकल इंजीनियर है वो, विथ 7.7 CGPA, अ ग्रेट मार्क, इसको मैं बहुत ही अच्छा स्कोर मानूंगा। और MBA किया है इन्होंने फ्रॉम IIFM विथ फर्स्ट डिविजन, देन सिक्योर्ड 95% इन CAT, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5+ years एंड गाइडेड एंड मेंटर्ड मोर देन 30K स्टूडेंट्स, ऐसा ये लिखते हैं। पर्पज ऑफ मेकिंग दिस चैनल, इनकी ये चैनल बनाने के पीछे का पर्पज क्या है? लिखते हैं, सर आई वॉन्टेड टू शेयर द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट आई हैव विथ अदर्स सो दैट दे कैन बेनिफिटेड फ्रॉम इट। सभी देखिए कोई ना कोई मदद करना चाहते हैं, वो भी विदाउट एनी इनकम। ये YouTube का फंडा है। आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय यू, ये मुझसे भी इंस्पायर्ड है, जयवीर सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी लोग एक दूसरे को सर कहते हैं, वो बहुत बढ़िया बात है। सर कहना भी जरूरी है मगर एज बींग अ ह्यूमन बींग, मैं और आपके क्वालिफिकेशन जो आपने लिखे हैं, मैं और आप एक सेम कैडर पे, तो सर ना भी कहिए तो भी चलेगा। आई ऑल्सो फेल्ट लाइक शेयरिंग विथ अदर्स, वो मेरी तरह और लोगों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग सच अमेजिंग कंटेंट ऑन योर चैनल, थैंक यू वेरी मच सर। इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है? टारगेट ऑडियंस लिखना जरूरी है, ये सारी चीजें आपको भी लिखनी है अगर आपको भी यूट्यूब चैनल को यहां पर सक्सेस स्टोरी में डलवाना है तो। आपको क्या लिखना है? आपका क्वालिफिकेशन और आपका जो चैनल है वो क्या सर्व करता है, किस टारगेटेड ऑडियंस के लिए है। टारगेटेड ऑडियंस है एस्पिरेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम
गवर्नमेंट एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम, मैनेजमेंट एग्जाम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इज अ पार्ट ऑफ एवरी एग्जाम एंड प्रिपरेशन फॉर जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज ऑल्सो कवर्ड इन अवर चैनल। उनकी चैनल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम, मैनेजमेंट एग्जाम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड अ पार्ट ऑफ एवरी एग्जाम एंड प्रिपरेशन ऑफ जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो सारी चीजें कवर होती हैं एक ही चैनल के अंदर। वर्किंग प्रोफेशनल्स, एम एस एक्सेल इज द हार्ट ऑफ ऑफिस वर्क ऑन विच आई हैड मेड कंप्लीट ट्यूटोरियल। एम एस एक्सेल देखना है तो इनकी चैनल पे चले जाओ, बहुत ही अच्छी तरीके का थंबनेल बनाते हैं ये। मुझे भी सिखाइए सर कि कैसे आप थंबनेल क्रिएट करते हैं, बहुत बेहतरीन होता है सर आपका थंबनेल, आई रियली लाइक इट। और सर ने जो लिखा है कि एम एस एक्सेल की उन्होंने पूरी सीरीज बना के रखी है, और एम एस एक्सेल आपको पता है कि जो भी अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन में है, कोई पढ़ा भी रहा है, तो वहां पर अगर आपको एम एस एक्सेल आता है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर सकते हो, और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करोगे तो आप मैनेजमेंट के चहेते आराम से बन सकते हो। सो दैट्स वाई एम एस एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भी सीखूंगा यहाँ से फॉर श्योर। ऑल दी एग्जाम एस्पिरेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल डू विजिट नीर एकेडमी। सभी से रिक्वेस्ट है कि नीर एकेडमी को विजिट करें फॉर गेटिंग क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट गाइज। इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनकी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जयवीर सर, उन्होंने अपनी पिक्चर एंड लोगो चैनल का वो दोनों मुझे भेजा है, वो मैं आपको बताऊंगा। रिगार्ड्स जितेश वाधवानी, नीर एकेडमी। तो ये इनका फोटो है, ये नीर सर का फोटो है, शायद कटा हुआ आएगा यहाँ पर, मुझे ये नहीं करना चाहिए। ओके, ये फोटो है और ये नीर एकेडमी का लोगो है। तो ये दोनों चीज आप देखिएगा, नीर एकेडमी यूट्यूब पे यही लोगों के साथ मिलेगी आपको, और वही लोगों पे आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दूसरों को भी सपोर्ट कीजिए, दूसरे भी लोग आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े, इसी में सभी का भला है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।